नमस्कार, स्वागत है आपका namoformedia.com में। समाजवादी पार्टी द्वारा बेरोजगारी और बेकारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आज 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बंद करने की मुहिम चलाई गई है, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी दिया है, जिसकी झलक झांसी में भी नजर आई। बुंदेलखंड दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष योगी सरकार पर जहां जमकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत के सवाल पर बचते हुए नजर आए। इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी मजाक उड़ाया गया है। वहीं एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में मुकदमे ही नाम होते हैं और जेल ही अस्थाई घर। वह और उनकी कांग्रेस पार्टी मुकदमों से नहीं डरती। एक महीने की जेल काटकर वह अभी आए हैं। मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसमें वह जेल काटकर आए हैं। मजदूरों से योगी सरकार का कोष लेना नहीं है। आज बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या है देश की, देश का नौजवान परेशान है, बेरोजगारी का दंश झेल आत्महत्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है जिस विषय को लेकर आज हम सब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। कल के दिन की चर्चा करूं तो 16 हत्या, 3 फिरौती और लगभग 4 से अधिक बलात्कार की घटनाएं आई थी। आज 13 हत्या, 3 बलात्कार की घटना और 2 अपहरण की घटना अब तक इस समय तक पूरे प्रदेश में हो चुके हैं। जिस तरह घटनाओं का दौर बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा मामले दर्ज उत्तर प्रदेश में दर्ज हो रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार के आकंट में स्वतः मुख्यमंत्री डूबे हों, उस प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है? ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में यह सरकार बुरी तरह विफल। क्या लगता है? राजनीति में मुकदमे इनाम होते हैं और जेल अस्थाई घर होता है, और अजय लल्लू और कांग्रेस पार्टी मुकदमों से नहीं डरती। अभी एक महीना जेल काटकर मैं आया हूँ। मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। 1000 बसों के मामले में मैं जेल काट के आया हूँ। इस सरकार के धमकी से, जेल से कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। 400 से अधिक मुकदमे अब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस सरकार